हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत गुरुवार 29 अगस्त को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंच गई है। दिल्ली में नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे तक रहने के बाद कंगना वहां से निकल गई। किसान आंदोलन पर बयान के बाद भाजपा के किसी बड़े नेता से कंगना की यह पहली मुलाकात थी। कंगना ने भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान प्रोटेस्ट के नाम पर रेप और मर्डर हुए, अगर सरकार मजबूत ना होती तो पंजाब बांग्लादेश हो जाता। इस बयान का विरोध होने पर भाजपा ने कहा कि यह कंगना की अपनी राय है, पार्टी की नहीं। भाजपा ने 26 अगस्त को एक प्रेस रिलीज कर कहा कि पार्टी कंगना के बयान से असहमत है, कंगना को पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाजत नहीं है, पार्टी ने उन्हें आगे ऐसे बयान ना देने की हिदायत भी दे डाली थी। कंगना ने कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व तो मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी, किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, विदेश में कुछ भी कर सकते थे। कंगना के बयान पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार 26 अगस्त को कहा कि भाजपा सांसद का किसानों को बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना उनकी किसान विरोधी नीति और नियत का सबूत है। अन्नदाताओं के मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छिप नहीं सकता। फिलहाल कंगना रनौत ने जिस तरीके से वो बयान दिया था, जो कह सकते हैं कि किसान थे वो पूरी तरीके से आक्रोशित हो गए और उन्होंने इस मुद्दे को लगातार उठाया। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में आई और कहना पड़ा ये कंगना रनौत का निजी बयान है, ये भाजपा का नहीं है। फिलहाल इस मुलाकात को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट।